गुंडे बदमाशों के अवैध मकानों पर कार्रवाई के बाद अब इंदौर में नगर निगम मिलावटखोरों पर शिकंजा कसती जा रही है। निगम ने सांवेर रोड के 20 सेक्टर में आलू चिप्स की फैक्ट्री के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया। कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सानवरिया फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में सड़े आलू से चिप्स बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम की पोकलेन और बुलडोजर ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। देखिए, ऐसे आंकड़े तो हमेशा रेडीमेड मेरे पास नहीं रहते, आप मेरे ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन काफी बड़ा अमाउंट जो है अभी भी कार्रवाई चल रही है। अब उतनी स्पीड में नहीं है, लेकिन अभी भी कार्रवाई चल रही, और ये आंकड़े आप मेरे ऑफिस से ले सकते हैं। देखिए, खाद्य विभाग की कार्रवाई फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाली कार्रवाई थी। हमारी इस कार्रवाई के अंतर्गत यह नक्शा अनुमोदित जो नगर निगम से करवाया है, उस नक्शे के अनुसार इनने अवैध निर्माण किया है, नंबर एक। फिर बाजू में नाले की कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण करके पीछे शेड बनाया है, तो जितना पार्ट MOS पे बना लिया है, जितना अवैध बनाया है, वो इनके अनुमोदित नक्शे के हिसाब से मान से उतने को यहाँ अभी तोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि मिलावटखोर ने फैक्ट्री में करीब 4000 वर्ग फीट में अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया था। वहीं अब इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।